वर्तमान समय में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपनी सारी जमा पूंजी, अपना घर बार, अपने आसपास के असहाय व जरूरतमंद लोगों की सेवा में नुछावर कर देते हैं। लेकिन हिमाचल के फतेहपुर से हमारे सामने एक ऐसा मामला सामने आया है। यहाँ फतेहपुर के पास छोटे से गांव छतर में दिव्यांग व अनाथ आश्रम की संस्थापिका अलका शर्मा असहाय व जरूरतमंद बच्चों की निस्वार्थ रूप से सेवा करके मानवता की अनूठी मिसाल पेश कर रही है। अलका शर्मा व उनके पति नीरज शर्मा नगरोटा सूर्या के समीप छोटे से गांव बिलासपुर में एक दिव्यांग बच्चे की सहायता करने पहुंची। उन्होंने दिव्यांग बच्चे की महरम पट्टी की। दिव्यांग व अनाथ आश्रम के सह संस्थापक नीरज शर्मा ने कहा कि कुछ दिन पहले अलका शर्मा को जानकारी मिली थी कि एक 19 वर्षीय बच्चे जो कि दिव्यांग है, जिसकी हालत बहुत ही खराब है, जिसके पांव व पीठ पर गहरे जख्म हो गए हैं। बच्चे के माता पिता भी मानसिक रोगी हैं और उसकी देखभाल नहीं कर सकते। इसी विषय में SDM देहरा धर्मवीर ठाकुर से बात हुई और उन्होंने हर संभव सहायता करने की आश्वासन दिया। बता दें कि अलका शर्मा उस दिव्यांग बच्ची को हर तरह से सहायता करने का आश्वासन दिया है। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। आज हमें देहरा तहसील के अंतर्गत एक छोटा सा गाँव पड़ता है बिलासपुर, जहाँ हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे एक लड़की है 19 वर्ष की बेबी, जिसका नाम वो फिजिकली डिसेबल है और वो चल फिर नहीं सकती, और चल फिर के ना करने के कारण उसके जो टांगों में और पीठ में बेड सोर हो गए थे, जिसकी बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन थी। तो आज मैं अपनी पत्नी के साथ और एक वॉलंटियर के साथ हम वहाँ पे गए थे और उसको हमने देखा तो हालत सच में बड़ी ही गंभीर स्थिति में थी। और जब उनके माता पिता से हमारा मिलना हुआ तो वो भी मानसिक रूप से कुछ ठीक नहीं है कि उसका देखभाल कर सकें या उसके बारे में वो सोच सकेगी कि हमने क्या करना है इसके बारे में। तभी हमने सबसे पहले तो हमने उसको नहलाया वगैरह, जो भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होती है वो किया, कपड़े कपड़े नहीं डलवाए। अब हमारे आगे परेशानी थी कि उसको आगे क्या किया जाए, इसको स्टेबल कैसे किया जाए। तो हमारी बात वहाँ पे जो SDM है, SDM साहब से बात हुई जो देहरा तहसील के अंतर्गत आते हैं ठाकुर साहब जी से, तो उन्होंने बड़े पॉजिटिवली हमें रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि आप मंगलवार आ जाइए, इसको हॉस्पिटलाइज करवा लेते हैं। और उन्होंने SMO से भी बात कर ली है वहाँ पे, और हमारी तरफ से उन्होंने बोला कि जो भी सरकारी सहायता हो सकती है हम वो करेंगे और इसकी जो भी हेल्प होगी हम करेंगे। तो हम मंगलवार को जाएंगे वहाँ पे और हॉस्पिटलाइज उस लड़की को करवाएंगे। उसके बाद इसको क्या करना है, कैसे करना है, वो हमारी कमेटी की बैठक होगी, उस पर हम निर्णय लेंगे कि हमने इसको अपने NGO में रेगुलर रखना है, कैसे रखना है, वो उसके बाद का निर्णय होगा हमारा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।